आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ट्यूब्स को बनाने के लिए जो ग्लास के ट्यूब्स होते हैं जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, काफी प्लेस पे यूज किए जाते हैं, उसको बनाने के लिए जिस मेथड्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऑप्टिकल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग को भी पढ़ेंगे। तो ट्यूब को बनाने के लिए जो है ग्लास ट्यूब को बनाने के लिए हम लोग डेनर प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिफाइन किया हुआ मोल्टेन ग्लास होता है वो बेल्ट के फॉर्म में एक इंक्लाइंड रोटेटिंग सिरामिक होलो सिलेंडर के ऊपर गिरता है, जिसको कि जो रोटेटिंग सिलेंडर होते हैं इसको कि हम लोग डेनर पाइप कहते हैं, क्योंकि डेनर ने इसको इन्वेंट किया था इसलिए इन्होंने इस पाइप का नाम डेनर पाइप रखा। और ये होलो सिलेंडर के अंदर से कंप्रेस एयर को ब्लो किया जाता है, ब्लो करने से ये होता है कि जो ग्लास ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि शुरू के स्टेज में ये थोड़ा सॉफ्ट कंडीशन में होता है, प्योरली सॉलिडिफाई नहीं हो होता है, तो उस कंडीशन में चांसेस होगा कि जो टॉप के सरफेस है वो कोलैप्स करके बॉटम के सरफेस पर स्टिक कर जाए। तो इस कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कंप्रेस एयर को ब्लो करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये ग्लास में मोल्टेन ग्लास का मेल्ट जो है ये उसके होलो सिलेंडर के टिप पर ड्रॉप डाउन होता है, तो ड्रॉप डाउन होने के बाद एक ड्रॉइंग ऑनियन का फॉर्मेशन होता है, वो रोटेट करते रहता है, एक तो इंक्लाइंड है टॉप से चार्ज हुआ रोटेट कर रहा है, तो यहां टिप पर जो है एक होलो शेप का ग्लास का एक लिक्विड ग्लास का एक इनिशियल शेप में जो ये होता है इसको ड्रॉइंग ऑनियन कहते हैं, उसी को ये करके हम लोग ग्लास को ड्रॉ करते हैं। तो उसी ड्रॉइंग ऑनियन की मदद से हम लोग ग्लास ट्यूब को ड्रॉ करते हैं और एक होरिजेंटल पुलिंग लाइन से इसको पास कराते हैं, जिससे एक लंबा टाइप का ग्लास ट्यूब हमें मिल जाता है। और इसका जो ग्लास ट्यूब का डायमीटर जो है ये डिपेंड करता है इसके ड्रॉइंग स्पीड के ऊपर। यदि हम लोग इसके ड्रॉइंग स्पीड को कांस्टेंट रखें, ड्रॉइंग स्पीड एकदम कांस्टेंट रखें और जो कंप्रेस एयर ब्लो कर रहे हैं उस ट्यूब के अंदर उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, क्योंकि ड्रॉइंग स्पीड हमारा कांस्टेंट है प्रेशर बढ़ा दिए तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, ट्यूब का डायमीटर बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो वॉल का थिकनेस था वो डिक्रीज कर जाएगा, वॉल का थिकनेस स्मॉलर हो जाएगा। तो ये चीज था कि इस तरीके से हमें पता चला कि यहां ये इसका डायमीटर और वॉल का थिकनेस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्रेस एयर के प्रेशर के ऊपर और ड्रॉइंग स्पीड के ऊपर। इस मेथड की हेल्प से हम लोग ऐसे ग्लास ट्यूब जिसका कि डायमीटर 2 mm से लेकर 60 mm तक होता है उसको बना सकते हैं। जनरल मेथड से हम लोग 2 से 60 mm तक के ग्लास के डायमीटर को हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए इस डायग्राम में भी दिया हुआ है कि जो मोल्टेन ग्लास है रिफाइंड मोल्टेन ग्लास ये फ्लो हो रहा है, एक होलो सिलेंडर है जो सिरामिक का बना हुआ है और इसके सेंटर से एयर पास कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद जब ये टिप पे जा रहा है मोल्टेन ग्लास तो ड्रॉइंग ऑनियन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ऑनियन के से हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्यूब को और सपोर्टिंग रॉड्स के पर ट्यूब जो है आगे की तरफ फॉर्म होकर के बढ़ते जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे इसको ग्लास को ट्यूब ग्लास ट्यूब को कूल करने के लिए
कूलर्स लगे होते हैं ताकि कूल होकर के ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बना दे। अदरवाइज अभी तो हम लोग बस कंप्रेस एयर के मदद से ही इसके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हमें सॉलिडिफाई भी करना है। इसके बाद जब सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि यहां तो हमें फास्ट कूलिंग की जरूरत होती है, फिर हम लोग इसको एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग के बाद जो है कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद यदि हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर जाता है, इसको पैकिंग और डिस्पैच करते हैं। और रिजेक्ट है, कोई डिफेक्ट इसमें आ गया, फिर हम लोग उसको कलेक्ट के रूप में रिसाइकिल करके यूज करते हैं। तो ये डेनर मेथड का सारा चीज जो है, स्टेप था इसको यूज करने का, कैसे हम लोग इसके मदद से ग्लास ट्यूब को बना सकते हैं। ये सारा चीज क्लियर है डेनर मेथड का। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। क्राउन ग्लास जो होता है वो एक टाइप का ऑप्टिकल ग्लास है, जिसका कि यूज हम लोग लेंस और अदर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए करते हैं। जो ऑप्टिकल ग्लास होते हैं, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.52 के आसपास होता है। साथ ही साथ ये लो डिस्पर्शन का होता है, जो भी ऑप्टिकल ग्लास होते हैं वो लो डिस्पर्शन के होते हैं। क्राउन ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अल्कली लाइम सिलिकेट रॉ मेटेरियल्स के मिक्सर को लेते हैं, साथ ही साथ इसमें अबाउट 10% पोटेशियम ऑक्साइड को एज ए फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में मिक्स करते हैं। और ये जो फ्लक्सिंग एजेंट है या ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये काफी लो डिस्पर्शन ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। अगला जो ऑप्टिकल ग्लास बनाया जाता है, ये पोटेशियम और लेड सिलिकेट को मिक्स करके बनाया जाता है, और इस ग्लास को हम लोग फ्लिंट ग्लास कहते हैं। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लिंट ग्लास, इसका यूज ऑप्टिकल ग्लास के तौर पर करते हैं। और मेन जो फ्लिंट ग्लास का यूज होता है, उसका यूज जो है लेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। लेंस, प्रिज्म और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल ग्लास को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के बैच को लेते हैं और उसको पॉट फर्नेस के अंदर मेल्ट किया करते हैं। पॉट फर्नेस के अंदर मेल्ट करने का पर्पज क्या था, कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल ग्लास होता है वो हमें डिफेक्ट फ्री मिलने चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग लेंस पर्पज से करते हैं या अदर ऑप्टिकल पर्पज से करते हैं। अब जो मेल्ट किया हुआ ग्लास था और रिफाइन किया हुआ ग्लास था, उसको हम लोग जिस शेप का रिक्वायरमेंट है हमारा, उस शेप में बना देते हैं। इसके बाद उसको एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग के बाद फिर वही इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद यदि पॉलिशिंग या और भी फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग फिनिशिंग करते हैं, और इसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन करके यदि हमारा प्रोडक्ट उस स्पेसिफाई लिमिट को सेटिस्फाई करता है, फिर इसको पैकिंग और डिस्पैच करते हैं। अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर इसको रिसाइकिल करके रीयूज करते हैं। तो इसको इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग किसी ऑटोमेटिक मशीन का भी यूज करते हैं, और विजुअल इंस्पेक्शन भी किया जाता है। और इसको इसका इंस्पेक्शन करने के लिए काफी स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो बहुत माइन्यूट लेवल पर भी होता है। ओके, तो ये था सारा चीज ऑप्टिकल ग्लास और डेनर प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।